श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी मनुष्य अपना परम कल्याण चाहता है तो वो इस सत्संग को जरूर सुने। परम कल्याण की बात की गई है, ये परम कल्याण है क्या? यह परम कल्याण भगवान से प्रेम, भगवान से अनन्य प्रेम हो जाना ही उसका परम कल्याण है। जिसको अपना परम कल्याण चाह आज से हो गई है, उसे सबसे पहले उस शांत स्वरूप पर ब्रह्म में स्थित भगवान श्री कृष्ण स्वरूप गुरु की शरण में जाना चाहिए। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप को शीघ्र ही शीघ्र भगवान की प्राप्ति करनी है, अपना परम कल्याण करवाना है, तो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। गुरु भगवान ही तो हैं जो एक शरीर धारण करके अंदर बैठ के उस गुरु के मुख से श्री मुख से हमें उपदेश दे रहे हैं। भगवान ही गुरु रूप में हर जगह व्याप्त हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके जो भी गुरु हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है, और जो उपदेश दे रहे हैं आपके गुरुदेव वो भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। इसलिए भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है। अपने गुरु में भगवान की भावना करना यह परम कल्याण का द्योतक है। तो अपने गुरु के पास जाकर अपनी आत्मा अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। गुरु को इष्ट देव तो हमने मानना ही है, उनके आदेश का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है। यहां कुछ भक्त भगवान के उचिष्ट गुरु भगवान के उचिष्ट अर्थात उनके पाए हुए भोजन प्रसाद का कुछ किनका प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान जिस पात्र में भगवान गुरु भगवान जिस पात्र में भोजन पा रहे हैं उसमें से कुछ किनका मिल जाए शिष्य को तो वह धन्य हो जाता है। परंतु वास्तविक गुरु जूठन क्या है इस बात को समझना पड़ेगा। वास्तविक गुरु जूठन उनका पाया हुआ प्रसाद तो है, परंतु वास्तविक जिस नाम को जिस मंत्र को गुरुदेव ने जीवन भर पिया है नाम जपा है वो वास्तविक जूठन है। उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए शिष्य को, वही वास्तविक जूठन है। आप ये ना समझिए कि अभी पल भर में जो भोग भगवान को लगा है वह गुरुदेव ने प्राप्त किया और उसका कुछ किनका प्राप्त करने से मेरा परम मंगल हो जाएगा। नहीं, परम मंगल तो गुरुदेव ने जीवन भर जिस नाम का जाप किया है श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा या फिर शरणागत मंत्र या फिर निज मंत्र, उस नाम मंत्र को प्राप्त करने के बाद अब कोई जूठन पाने की आवश्यकता नहीं रही। वास्तविक जूठन गुरुदेव की तो यही है। इसी नाम को पकड़ लो, इसी नाम के सहारे हो जाओ, परम कल्याण इसी नाम से ही होगा। और सुनना चाहते हो तो और सुनो, मन से सभी विषय भोगों में वैराग्य होना चाहिए। अगर विषय आसक्ति है आप में, किसी पदार्थ वस्तु किसी व्यक्ति की चाह रख रहे हो तो ये आपके परमार्थ में बाधा है। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य किस प्रकार का? सभी वस्तुएं आपके पास हैं, सभी भोग हैं, परंतु भोगने की इच्छा नहीं। ये कहना मन से कि ये सब भगवान का है और भगवान द्वारा भोगे जाना है, हमको तो जो प्रसाद प्राप्त हो रहा है वो भगवान का प्रसाद है, इसे को ही हम प्राप्त करेंगे। वैराग्य बहुत जरूरी है मन से। साधु महात्माओं का संग, सब प्राणियों के प्रति दीन भावना दया भावना, सभी के प्रति दीन भावना दया भावना, दीनता अपने में दया भावना सामने वाले में। हम तो अपने से छोटे व्यक्ति अपने से छोटे जीव पर दया नहीं करते, हमें ऐसा नहीं करना है। उन पर भगवत भावना करते हुए दया करनी है, उनकी सेवा करनी है भगवत भावना करते हुए। और तन मन धन से हमें पवित्र रहना है, तन हमारा स्वच्छ रहे, हम अपने तन को सवेरे उठाएं प्रातःकाल जल्दी जगाएं, मन से भगवान का चिंतन करें, धन से हम साधु सेवा करें धाम सेवा करें, सही जगह धन लगाएं, कष्ट सहकर भी अपने धर्म का हम पालन करें, सर्दी गर्मी बरसात को हम सहें,
व्यर्थ बातचीत करने से हम सभी बचें, क्योंकि व्यर्थ बात करने वाले मनमुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। व्यर्थ बात जो करता है वो अपने समय को कितना बर्बाद कर रहा है। देखो काल कितनी तेजी से लोगों को मृत्यु के ग्रास में पहुंचा दे रहा है, सबको मारता जा रहा है, और हम व्यर्थ की बातें करके, व्यर्थ की चेष्टाएं करके अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। इस समय का सदुपयोग करो, सही जगह लगाओ, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अपने समय का जिसने सदुपयोग किया, सही जगह लगाया, सही मार्ग में यह समय चला गया, तो यह समय बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, और शुभ फल भगवान के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। तो अपने समय को भगवान के लिए लगाओ ना, भगवान के लिए खर्च करो। वहीं हमें व्यर्थ की बातचीत से बचते हुए भगवान नाम का मनन करना है, भगवान के नाम का चिंतन करना है, जाप करना है। अपने जीवन में हमें सरलता लानी है। एक छोटा सा बच्चा जो बहुत सरल होता है, ना कुछ उसे कुछ कपट आता है, ना कुछ उसे बुराई होती है उसके अंदर, ना वो किसी की निंदा करता है, वो तो एक सरलता में रहता है। भगवान ऐसे ही सरल स्वभाव के भक्त को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए सरलता आनी चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गृहस्थ में है वो भी संतान उत्पत्ति के लिए संतान उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मचर्य रहें। ब्रह्मचर्य परमार्थ प्राप्ति का बहुत बड़ी नींव है। ब्रह्मचर्य जिसका पुष्ट है उसे भगवान की प्राप्ति होगी, अगर वह भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो हमें गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखना चाहिए। भगवान ने कहा है गीता में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुख सुख क्षमी, संतुष्टा सतम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिया। तो जो व्यक्ति सब में संभाव रखता है, द्वंद्वों से विलग रहता है, किसी प्रकार का द्वंद्व उसे व्याप्ता नहीं है, सभी जीवों में अपने ईश्वर को देखता है, एकांत में रहकर मनमुखी न होकर अंतर्मुखी होता है, घर आदि को भगवान का मानता है, शुद्ध साधारण वस्त्र पहनता है, जो कुछ भी मिले उसमें संतोष करता है, भगवान के गुण गाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करता है, दूसरे शास्त्रों की निंदा बिल्कुल नहीं करता है, मन वाणी और कर्मों का संयम, सत्य भाषण, मन इंद्रियों को अपने वश में रखता है, भगवान की अद्भुत लीला, भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुणों की लीला श्रवण करता है, ध्यान करता है, भगवान के लिए ही सब विहित कर्म करता है, जैसे यज्ञ दान तप सदाचार। इस तरह जो भक्त अपने दिनचर्या को चलाता है, अपने स्वभाव को रखता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वह परमार्थ में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मन बहुत चंचल कहा गया है, मन बहुत विषयों में भागता है, भगवान में नहीं लगता, वह तो अनंत जन्मों से संसार में ही सुख देख रहा है। अगर आप भगवान में इस जन्म में लगाना चाहते हो फिर भी वह भागेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी बनी है कि संसार में भागने की, क्योंकि हमने अनंत जन्मों से मन को संसार में ही लगाया है, संसार के ही भोग भोगवाए हैं, इसलिए मन भागेगा संसार में। हमें मन को भगवान के चरणों में लगाना है, मन को वश में रखना है, नाम के प्रभाव से हम यह कर सकते हैं। मन को मारने का सीधा उपाय भगवान के नाम मंत्र का जाप करना, नाम सीधा प्रहार करता है, नाम के प्रभाव से मन इधर उधर भागता नहीं है, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो अपना कल्याण चाहते हो तो इन नियमों का हमें पालन करना ही पड़ेगा। परम कल्याण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति, अनन्य शरणागति ही है। अन्य किसी का चिंतन ना हो, केवल भगवान का चिंतन हो, भगवान के आश्रित हो जाओ। जो कुछ तुम कर रहे हो सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, जो कुछ प्राप्त कर रहे हो भगवान का मान के करो ना, भगवान की सेवा करो, ये सब भगवान के लिए। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो कि एकमात्र भोक्ता इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, और हम सब भोगियां हैं, जो भी पदार्थ है तब भगवान का है, हम प्रसाद भाव से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद पाएं, हम सीधे ना कुछ पाएं, चाहे हम वस्त्र हो, चाहे धन हो, चाहे अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हो, खाने के पदार्थ हो, ये सब भगवान को अर्पित करते हुए हम उसका भोग करें, प्रसाद के रूप में भोगता ना बन जाएं, हम सब भोगियां हैं।
तो हम भगवान के अनन्य शरणागत होकर भगवान को अपनी जीवन की डोर सौंप दें, क्योंकि एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना। आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, ये भगवान ही खींच रहे हैं, भगवान ही आपका नाम जाप करवा रहे हैं, आपके अंदर ही तो बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं, आपको अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, तभी तो आप भगवान का नाम का जाप कर रहे हो। ये सब करवाने वाले भगवान ही हैं, भगवान ही हैं। इस बात को अपने मन में बैठा लो। गुरु आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शरणागत की बात की गई है ना, जो अपना परम कल्याण चाहते हैं वो गुरु के शरण में हो जाएं और उनकी आज्ञा का पालन करें। उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा यही है कि उनकी सेवा भले ना बने, लेकिन नाम को पकड़ो, भगवान का चिंतन ना छूटे, भगवान की कथा ना छूटे, भगवान का रूप का ध्यान ना छूटे, यही गुरु के परम आदेश हैं। इसी बात को तो पकड़ना है। हम गुरु की, अगर हमें शारीरिक सेवा नहीं मिल पा रही है तो हम मन से उनकी सेवा करें दूर रहकर भी, लेकिन उनकी आज्ञा सबसे बड़ी यही है कि नाम धाम रूप कथा और संत सेवा, ये सब हमें करना है, यही आज्ञा है गुरुदेव की, इसे हमें पकड़ना है अगर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं। नाम कभी ना छूटे, नाम के बल से हमें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी, सभी हमें हमारा योगक्षेम वहन होगा, हमारा पेट अगर भूखा भी है तो भगवान के नाम के प्रभाव से पेट कभी भूखा नहीं रहेगा। शरीर में कपड़े नहीं है, नाम के प्रभाव से शरीर में कपड़े होंगे। नाम के भरोसे हो जाओ, भगवान के भरोसे हो जाओ, भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं। अपना बल अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करो, भगवान के सहारे होकर, भगवान का होकर देखो ना, तुम्हें पता लगने लग जाएगा कि ये सब जो हो रहा है तो कृपा से ही हो रहा है। तुम खुद एहसास करने लग जाओगे कि तो ये भगवान की कृपा ही है जो ये ऐसा करवा रही है। तुम कृपा का एहसास करने लग जाओगे जब भगवान के आश्रित हो जाओगे, भगवान के नाम के आश्रित हो जाओगे। भगवान की कृपा ही सब कुछ करवाती है। अभी इतना तुम भजन कर रहे हो, ये सब कृपा बल से ही हो रहा है, और आगे जो परम कल्याण होने वाला है वो भी भगवान की कृपा से होगा। तुम अपने बुद्धि बल शक्ति धन आदि का अहंकार छोड़ दो, ये सब तुम्हारा नहीं, एक दिन छूटेगा। शरीर बल भी छूटेगा, देखो कितने बड़े बड़े बलवान एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते। जब ये जवान थे तब इनके पास जो बल था वो भगवान की शक्ति से तो आया, भगवान की प्रेरणा से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इतने अच्छे अच्छे भोग पदार्थ भगवान ने यहाँ पैदा किए। हम आटा दाल चावल ये सब खाते हैं, भगवान का तो बनाया गया है ये। सूरज की जो रोशनी है, जो ताप ऊर्जा है, भगवान की शक्ति है। अग्नि का, अग्नि में दाही का शक्ति भगवान की ही है। हर जगह भगवान का ही की शक्ति व्याप्त है। अन्न में भी भगवान की शक्ति, भगवान का रूप व्याप्त है। तो इस अन्न को खाकर हम शक्तिशाली हुए और हम अभिमान करने लग गए, हम दंभ करने लग गए, ये गलत बात है। हमें ये सब नहीं करना है, हमें भगवान के का होकर भगवान का होना है, भगवान का होकर भगवान का होना है। हम उनके ही हैं, हम ये स्वीकार करें कि हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे, भगवान का होना है हमें। इस बात को गांठ बांध लो, आज से ही भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ ना। आपके गुरु आपको जो शिक्षा दे रहे हैं उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। केवल सुनने मात्र से नहीं, जीवन में उतारने से ही लाभ होगा। नियम होना चाहिए जीवन में, सोने खाने उठने बैठने का एक नियम होना चाहिए, उसी नियम से चलना चाहिए। भगवान के नाम जाप का भी नियम होना चाहिए, तभी तो तेलवत धारा की तरह नाम चलने लगेगा जब आप नियम से भगवान के नाम का जाप करोगे। परम कल्याण भगवान में ही है, भगवान आनंद स्वरूप हैं, सुख समुद्र हैं। संसार में जो भी सुख देख रहे हो वह बहुत ही क्षणिक है, दुख देने वाला है, दुख में बदलने वाला है। इसलिए संसार के आश्रित ना होकर भगवान के आश्रित हो जाओ, गुरु आश्रित हो जाओ, तुम्हारा परम कल्याण होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम।